नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं सुरेश जाट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे फार्म ट्रैक 42 का, जो फार्म ट्रैक 45 नाम से चलता है। वैल्यू मैक्स में नया ट्रैक्टर है जो चलते चलते काफी टाइम हो गया मार्केट में, अब दिखने लगा है। इसका रिव्यू करते हैं, क्या इसका पावर है, क्या स्पेसिफिकेशन है और किस तरह यह दिखता है और क्या क्या इसमें स्पेशल फैसिलिटी है, क्योंकि ये दूसरे ट्रैक्टर यानी कि फार्म ट्रैक 45 सुपर मिक्स से काफ़ी सस्ता भी है, तो इसलिए इस ट्रैक्टर की बात करते हैं आज हम और देखते हैं इसका पूरा क्या ये अपनी प्राइस के साथ सही न्याय कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों ये है फार्म ट्रैक 42 वैल्यू मैक्स। सामने से फ्रंट वही फार्म ट्रैक का जाना पहचाना सा लुक, जहाँ लिखा हुआ 41 HP, और ये इधर फ्रंट साइड से देखने में, और ये इसका फिल्टर बॉक्स है जो डीजल से पानी को अलग करता है, और इसका ये पंप सिस्टम लगा हुआ है साथ में। सामने से देखने से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और फार्म ट्रैक 45 के वैल्यू मैक्स की ही याद दिलाता है। काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ इंजन को छोड़ के इस ट्रैक्टर में सारी चीज़ें कमाल हैं। वही स्पेस, वही गियर सिस्टम, एक्सीलेटर वगैरह, ये ट्रांसपोर्ट लॉक के साथ है ये ट्रैक्टर। यह काफ़ी शानदार फीचर दिया गया है और कमाल का ट्रैक्टर है चौड़े टायरों के साथ। अब पीछे बैक साइड से देखने पे वही PTO शाफ्ट और इसकी जो साइड की टांगें हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से सुपरमैक्स के अंदाज में दी गई हैं। ये QRC कपलर सिस्टम दिया गया है इस ट्रैक्टर में साथ में। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रैक्टर फार्म ट्रैक का सुपरमैक्स और वैल्यू मैक्स की ही रेंज का ट्रैक्टर से उसके पावर कम करके इसकी प्राइस कम की गई है, जिसमें लगभग ये काफ़ी अट्रैक्टिव हेडलैम्प है इसके, स्टेयरिंग और सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो सिर्फ प्राइस कम करने के हिसाब से HP कम करके काफ़ी किसानों के लिए काफ़ी इसको उपयोगी बनाया है। तो दोस्तों ये अब मार्केट में दिखने लगे हैं और लोग इसके को पसंद भी कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आपको ये ट्रैक्टर लग रहा है, या आप इस ट्रैक्टर को ऑलरेडी चला रहे हैं या अब लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, आगे इस वीडियो में बहुत सी अलग जानकारियां आपको मिलती रहेगी। अगर ऑल ओवर देखा जाए इस ट्रैक्टर में, अगर मेरी ओपिनियन दूं तो जिन किसानों को सिर्फ खेती परपज के लिए यूज करना, कोई हेवी वर्क नहीं करवाना, वो किसान इस ट्रैक्टर को आसानी से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फार्म ट्रैक का विश्वास साथ में जुड़ा हुआ है और लोगों को ये काफ़ी पसंद भी है फार्म ट्रैक। बाकी फीचर के मुकाबले में कहीं कोई कमी नहीं, शानदार ट्रैक्टर है, इस बारे में आप अपनी राय बना सकते हैं। कुल मिलाकर फार्म ट्रैक के दीवानों के लिए और सस्ते बजट के लिए ये ट्रैक्टर काफ़ी उपयोगी, लगभग ये 5,00,000-5,000 रुपये के आसपास की प्राइस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि ये प्राइस मेरे को शोरूम वालों ने बताई है कि इस प्राइस में हम ट्रैक्टर बेच रहे हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट लॉक वगैरह सारी फुल फैसिलिटी के साथ ट्रैक्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस बारे में आपका क्या ज़्यादा सोचना है, इस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या इस ट्रैक्टर में ऐसा कोई फीचर है जो मैं बताने से रह गया जो ट्रेडिशनल फार्म ट्रैक के वैल्यू मैक्स में पहले अवेलेबल नहीं होता था। QRC कपलर वगैरह ऐसी कोशिश की है कि दो फार्म ट्रैक वैल्यू मैक्स में और से मॉडलों में अवेलेबल नहीं है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा। ट्रैक्टर की कीमत और भी अधिक जानकारी के लिए नीचे के दिए गए नंबरों के कंपनी के सेल्समैन से आप बात करके इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर हमने देखा, कैसा लगा ट्रैक्टर आपको, इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप इसको ऑलरेडी खरीद के चला रहे हैं या आप खरीदना चाहते हैं, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा वीडियो था, आगे की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सी जानकारी और भी लेके आना वाला हूँ। फार्म ट्रैक के नए नए ट्रैक्टर कौन से आने वाले हैं और कुछ दो ट्रैक्टर रहेंगे ऐसे ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा जिनका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। शायद अगर ये दोनों ट्रैक्टर आएंगे तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक तहलका मच सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई शिकायत सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं रोजाना आपके लिए एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए एक बार और आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।